हाय गाइस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो आज आपसे सिलेबस के रिलेटेड कुछ बात करनी थी हमें। देखिए, आप लोग का भी डिमांड था भैया लाइफ साइंस का 1.DS स्टार्ट कीजिए। भैया टू चैप्टर स्टार्ट की, भैया लाइफ साइंस स्लो चल रहा है, ये सब चीज़ें थी और वाकई में स्लो हो गया। ठीक है, हम लोग का बीच में बहुत सारा वीडियो ऐसा था जो लाइफ साइंस का नहीं आया, जो कि आना चाहिए था, जिस वजह से सिलेबस स्लो हो गया। तो हमने एनालाइज किया कि लाइफ साइंस का सिलेबस हमारे जो हमने पर्सनल डाटा बना के रखा है कि कब तक जाना चाहिए उस हिसाब से, उसमें लैग किया। तो उसमें लग गया, तो इसलिए हमने सोचा कि आपका बैकअप देना जरूरी है। तो हमने बैकअप के तौर पे आपको क्या किया, एक और क्लास ऐड कर दिया टाइम टेबल में, यानी जो आपका टाइम टेबल था बस एक सप्ताह के लिए। आपका टाइम टेबल जब कैजुअल तीन वीडियो का था, तीन वीडियो ही आएगा पर डे, एक सप्ताह के लिए हम आपका टाइम टेबल में तीन एक सप्ताह के लिए आपका तीन वीडियो को या चार वीडियो, यानी एक वीडियो लाइव सेंस का एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं पर डे। ठीक है, यानी देखिए कल से हम लोग बृहस्पति वाला बाबू, आज अगर आप वीडियो जब भी देख रहे हैं, खैर बुधवार की वीडियो डाले इसलिए हम आज का काम कर रहे हैं, कल आपको देखिए बृहस्पति वार है, अगला बृहस्पतिवार जो होमवर्क का होने वाला है। ठीक है, यानी ये जो सात दिन का हम लोग पीरियड है, इस सात दिन में पर डे शाम को 4:30 पर हम लोग का लाइफ साइंस का वीडियो आने वाला है, लाइफ साइंस का वीडियो आने वाला है। बस सुन में आई, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसके साथ ही चलने का। इन सातों दिन के अंदर आपका पीछे भी कुछ छूटा है तो लाइफ साइंस का बैकअप ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग का जो बृहस्पतिवार आएगा, नेक्स्ट बृहस्पतिवार को ही, ठीक, शुक्रवार से बृहस्पतिवार को खत्म हो रहा, शुक्रवार को ही हम लाइफ साइंस का 1.D स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसके साथ प्रिपेयर रहना है, ठीक, कि 1.C तक आपका कंप्लीट रहे, नोट्स हो या सब चीज़ कंप्लीट रहे, नोट्स भी रिविजन कर लेना है, बार बार रिवाइज भी कर लेना है, 1. लाइफ साइंस का 1.A भी कंप्लीट याद कर लेना है, लाइफ साइंस बी भी और लाइफ 1.C भी, इतना आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, फिर हम लोग को 1.D पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें रिलेट करती हैं कुछ कुछ यहाँ से। ठीक है, 1.D को हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे, फिर 1.D और फिर उसके बाद हम लोग 2 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 1.D बहुत छोटा है, 1.D में थोड़ा वीडियो ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो 1.E बहुत छोटा है, 2 चैप्टर उतना कोई खास बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं जाने वाला। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियो हम लोग का 1 चैप्टर में ही लगा, और 1 चैप्टर में ही और 10-20 वीडियो और लगेगा, उसके बाद 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रहा बाबू कि कल आप लोग का रिजल्ट का जो बात रहा, कल रिजल्ट आप लोग का नहीं हुआ क्योंकि हम लोग वो किसी काम से दोनों आदमी को बाहर जाना पड़ रहा है, एक आदमी भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, अगर रहते तो रिजल्ट इशू कर दिया जाता, बट किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो रिजल्ट आप लोग का कल नहीं आएगा। ठीक है, अब कब आएगा भैया, तो एक दो दिन में हम लाने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, लेकिन कल नहीं आएंगे, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग का होने वाला है, जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो मंडे को टेस्ट होगा, इसी में मैंने अनाउंस कर दिया क्या क्या है, क्या क्या सब टॉपिक समझा दे रहे हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है बाबू, नेक्स्ट टेस्ट जैसे हम लोग का मंडे को होता है, ठीक है, वैसे ही होगा, 11:15 होता है, 11:15 पर ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट होगा क्या भैया, तो चैप्टर मैथ का चैप्टर 3 होगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा बाबू, मैथ चैप्टर 3 क्या है बाबू, आप लोग का थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है। ठीक, तो हम लोग का थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर होगा, बस समझ आई। तो आपका 2 थ्योरम है और उसके बेस पर मैं सवाल कराया था, तो वैसे ही हम पेपर भी बनाने का कोशिश करेंगे, पेपर अच्छा आएगा, जैसे आप लोगों ने देखा सेकंड चैप्टर का पेपर आया था वैसे ही आएगा। ठीक है, हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमने देखा, देखिए वो टेस्ट यहाँ क्यों दे रहे हैं, यहाँ टेस्ट दे रहे ताकि आप सीख सकें ना, तो कुछ बच्चे हैं जो सोल्यूशन अपलोड नहीं कर रहे हैं जब हम जहाँ रिक्वायर्ड है, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फेयर कॉपी से ही सोल्यूशन डाल दिया। पिछला हमने टेस्ट का पेपर एनालाइज कर रहे थे तो देखा हमने कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेयर कॉपी का ही अपना फेयर कॉपी का ही फोटो सोल्यूशन फोटो खींच डाल दिया, वैसे क्या मिलेगा, हम स्कूल के टीचर हैं कि आप हमें इंप्रेस कर लीजिएगा तो आपको हम प्रोजेक्ट में ज़्यादा नंबर दे देंगे, इसमें ज़्यादा नंबर दे देंगे, वैसा नहीं ना होगा। यहाँ सीखने आए हैं, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, जितना समय बोला गया उस समय में ही दीजिए, नहीं तो आपके लिए ही नुकसान है, वो आपके लिए ही नुकसान है, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, आपके लिए ही कर रहे हैं ना, तो टेस्ट में ये सब ना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हमें उम्मीद है आप लोग बहुत ईमानदारी से देने वाले हैं, और ईमानदारी से दीजिए। और नेक्स्ट टेस्ट जो मेरे मंडे को है, मंडे को आपको 11:15 पे आपको पेपर मिलेगा, और उस पेपर में आपको मैथ का चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरम रहेगा, वो भी हो सकता है आप समझ लीजिएगा, पेपर जैसे मिला था वैसे ही सरप्राइज पेपर मिलेगा आपको, पेपर देखने के बाद ही आपको समझ में क्या क्या आ सकता है, चैप्टर 3 का हर चीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, बस समझ में आई। और उसके बाद आपको लाइफ साइंस प्रिपेयर कर लेना है, और लाइफ साइंस का पहले ही हमें अनाउंस कर देना है कि नेक्स्ट मंडे को, मंडे के बाद वाला मंडे को लाइफ साइंस का हम 1.2A और 1.B और 1.C तीनों को मार्च करके टेस्ट लेंगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम डालेंगे उसमें, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको लिख के देना पड़ेगा, समझ में आई, तो इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं, बाय।